मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है सबसे कि जो गलती मुझसे हो गई है वो कोई भी मेरी बहन है या कोई भी छोटी हो या बड़ी हो सिस्टर हो कोई भी गलती ना करें, मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ। और आज मैंने जब मेरे पति मेरे बच्चों को लेकर निकल गए हैं, एक लड़का मेरा 3.5 साल का है, छोटा लड़का मेरा 1.5 साल का है, जिसका मेरा उनके बिना कोई भी नहीं है क्योंकि पहले मैं सबको त्याग चुकी हूँ। और आज मेरे साथ वो इतना बड़ा खेल खेल गए कि 2 बसें मेरे अपने जेवर बेच के मेरे आदमी ने खरीदी और ख़रीद के वही बसों को बेच के वो और अपना सब कुछ यहाँ ख़त्म करके मुझे किराए के रूम में छोड़कर भाग चुके हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर लिए, शादी भी करे, हम बिहार में जाके बिहार में शादी करे, आज मेरे 2 बच्चे भी हुए जिसे मेरी शादी को आज 12 से 13 साल हो रहे हैं। अच्छा, जब आप दोनों में जब प्यार हुआ तो एक तरफा प्यार था, फिर आप भी प्यार करती थी? नहीं, दोनों तरफा था सर। भले मैं एक गलती करी आई एक बार, मगर अब दोबारा मैं अपने दामन पर दाग नहीं लगवाना चाहती। जो कि मैं गलत होती तो मैं भी कहीं जा सकती थी, मगर नहीं, मैं यही चाहूँगी कि मेरे बच्चे मेरे पति से मुझे दिलवा दिए जाएं और मैं अपने बच्चों की खातिर कमाऊँगी खाऊँगी, अपने बच्चों की खातिर रहूँगी मैं। बच्चों की याद आती है? जी जी, बहुत आती है। मैं बच्चों के बिना ना खा पी रही हूँ ना बना पा रही हूँ, मेरा अकेला बहुत रोते रोते बुरा हाल हो गया है। पर मैं तो नादान थी बचपने में, चलो कॉलेज में पढ़ रही थी तो मेरा हो गया, मगर आज मैं वो गलती अपने बच्चों को छोड़ के जाने की कहीं नहीं चाहूँगी। अगर मैं एक गलती करूँगी तो बस यही करूँगी लास्ट बार, कि अगर मेरे पति और मेरे बच्चे मुझे नहीं मिलते हैं मीडिया वालों के साथ भी बयान करने के बाद मुझे नहीं देते हैं ढूंढ के, तो मैं सीधे अपने आप को दुनिया से मिटा दूंगी और मैं अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे आदमी के साथ नहीं जाऊंगी। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का दर्शक न्यूज 24 में, और आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज जनपद में है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि इन दिनों अपने भारत में एक खबर काफ़ी चर्चित है, सीमा हैदर को लेकर। सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान की रहने वाली, यानी कि सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन के लिए पाकिस्तान से चली आई पैदल। और आज हमारे साथ है मुस्कान जो मुरादाबाद से भरी उड़ान और अपने प्रेमी के लिए चली आई बिहार, और आज उनके साथ क्या हो रहा है और क्या उन पर बीत रही है ये अभी हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। और आए दिन दोस्तों इस तरह की तमाम खबरें आती है, कभी सोशल मीडिया का प्यार जिसमें कि फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए तमाम ऐसे प्यार देखे जा रहे हैं, और कुछ ऐसे प्यार हैं जो एक बार मिलने की वजह से प्यार हो गया और बगैर कुछ सोचे समझे प्यार के जुनून में अपना घर परिवार छोड़कर अपने प्रेमी के लिए सब कुछ दांव में लगाकर चली आती हैं। उसके बाद होता क्या है ये अभी पीड़िता से जानने का प्रयास करते हैं। बता दें कि पीड़िता उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से अपने प्रेमी के लिए चलकर बिहार आती हैं, उसके बाद प्रेमी इनको लेकर प्रयागराज आता है, प्रयागराज में रहता है, लेकिन फिर इनको जो है 2 बच्चे होने के बाद इनको छोड़कर यहाँ से फरार हो जाता है। तो आइए इनसे परिचय करवाते हैं आप लोगों को और जानते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या था और क्या हुआ इनके साथ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मुस्कान। कहाँ की रहने वाली? मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद। जी, ये बताइए कि जो आप बता रहे हैं कि प्रेमी हमें छोड़कर चला गया है जी, मेरे दो बच्चों को लेकर, तो क्या था पूरा मामला? पूरा मामला, यहाँ पर रह रहे थे हम लोग 1.5 साल से। 1.5 साल से कहाँ रह रहे हैं? यहाँ पर प्रयागराज। हाँ, तो यहाँ रह रहे थे, मेरे 2 लड़के हैं। हाँ, तो उन दोनों को लेके चले गए हैं। अब कहाँ चले गए हैं कहीं हाथ नहीं आ रहे हैं। हाँ, मैं, मेरे पास ना खर्चा है ना कुछ है, मैं पुलिस में बहुत बार दौड़ रही हूँ, मुझे कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है कहीं से भी। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। आपके प्रेमी का क्या नाम है? मेरे प्रेमी का नाम है मुन्नीलाल चौधरी। कहाँ के रहने वाले? बिहार के रहने वाले हैं वो। बिहार की? जी। तो आमतौर पर कब आप लोगों की मुलाकात हुई, कैसे आप दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए? हम दोनों की मुलाकात हुई 2010 में। हाँ, 2010 में मैं अपने मामा के घर आती जाती थी दिल्ली। दिल्ली? जी। हाँ, कॉलेज आती जाती थी, पढ़ती थी मैं वहाँ दिल्ली तो, में। जी जी। तो एक बार मेरे पापा आए मुझे लेने मुरादाबाद से, तो मेरे पापा की गाड़ी ख़राब हो गई मोटरसाइकिल, तो इनका, मेरे जो आज हस्बैंड हैं इनकी दिल्ली में छोटे छोटे मोटरसाइकिल के पार्ट्स की दुकान थी, तो वहाँ पर मेरे पापा अपनी गाड़ी बनवाने लगे, तो मेरे आदमी ने एक नज़र मेरे तरफ डाला, उनकी पड़ी, मैं खड़ी हो गई सेट में,
तो बस वही मेरे पापा से बातों में लग के मेरे पापा से नंबर ले लिए और नंबर ले के वही मेरे पापा से और मेरे जरिए मेरे मामा के घर पहुंच गए दिल्ली। और जब मेरे मामा के घर पहुंच गए दिल्ली तो मैं कोली जाती जाती थी, तो कोली जाती जाती थी मेरी ये इन दोनों की मुलाकात हो गई। अब इन दोनों की मुलाकात हो गई, अब हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर लिए, शादी भी करे हम बिहार में जाके। अब बिहार में शादी करे, आज मेरे दो बच्चे भी हुए जिसे मेरी शादी को आज 12 से 13 साल हो रहे हैं। अच्छा, जब आप दोनों में जब प्यार हुआ तो एक तरफा प्यार था, फिर आप भी प्यार करती थी? नहीं, दोनों तरफा था सर। आप भी प्यार करती थी? जी 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 जी। उसके बाद आप मतलब कि मुरादाबाद से भागकर या दिल्ली से भागकर बिहार आई? नहीं, दिल्ली से आई। भाग कर नहीं आई, उनके साथ में हम लोग प्रेम से आए। हाँ। प्रेम से अपने साथ लेकर आए ये, और सब मतलब मामलों के साथ मतलब कि शादी करेंगे, हम सब बढ़िया से रहेंगे, कभी धोखा नहीं देंगे ज़िंदगी में। तो हम लोग बिहार आए दिल्ली से, अब बिहार में हमने अरे राज में शादी करी। तो शादी आपने कोर्ट मैरिज से की थी या फिर हिंदू धर्म रिवाज से? हिंदू धर्म से हमने शादी करी थी। हाँ। और कोर्ट मैरिज हमारा नहीं हुआ, ऐसे ही छत पर शादी हुई है हमारी। अच्छा अच्छा जी, गंधर्व विवाह हुआ। हाँ हाँ हाँ। तो फिर उसके बाद 2010 में आपको प्यार होता है, 2010 में ही आप जो है चली आती हैं? जी जी, 2011 में चले आए हम। अच्छा, 2010 में प्यार हुआ, 2011 में आप उनके साथ चले? हाँ, उनके साथ चले आए दिल्ली से। दिल्ली से हम लोग बिहार चले आए। चलिए ठीक है, 2010 के बाद जैसा कि 2011 में आप चली आई, तो फिर 2011 के बाद कब तक आप लोग अच्छे से रहे? हम लोग अच्छे से रहे लगभग 7 साल। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मारना पीटना भी शुरू कर दिया। हाँ। फिर भी मैं जब सब कुछ अपना छोड़ कर चली आई अपना दिल्ली से इनके साथ प्रेम में, पढ़ाई लिखाई भी मेरी अधूरी रह गई, मैं 9th क्लास पास हूँ। हाँ, मैट्रिक फेल है मेरा, तो पढ़ाई लिखाई अधूरी रह गई, सब कुछ छोड़ कर चली आई। तो मैं सोची अब मैं कहाँ जाऊँगी, कौन मेरी सुनवाई करेगा, कहाँ मैं रहूँगी। तो मैं अपने पति से हाथ पैर जोड़ी, फिर भी मैं उनके साथ दो रोटी के चलते दो कपड़ों के चलते उनके साथ रहती रही। उनके घर पर मेरा आना जाना पूरा उनके गाँव वाले जानते हैं मेरे, उनके गांव वाले मेरे हस्बैंड के तो जानते हैं। बस इतनी मुलाकात हुई हमारी, उसके बाद मेरे दोनों बच्चे हुए, मैं रहती रही। अच्छा, दो बच्चे भी आपके हैं? जी जी। बच्चे कब हुए? बच्चे बड़े वाले लड़के की पैदाइश है मेरी 2019 की। हाँ। और छोटे वाले लड़के की पैदाइश है मेरे 2021 की। ये 2 साल 1 महीने के छोटे बड़े हैं। जो अभी मेरे बड़े वाले लड़के का 14 अगस्त को बर्थडे है। अच्छा। जो जसरा और जसरा ब्लॉक घूरपुर, जसरा ब्लॉक में पैदा हुए हैं प्रयागराज। हाँ। उन दोनों की यहीं की पैदाइश है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये बताइए कि जब आपने शादी कर लिया, फिर उसके बाद बिहार में आप उनके घर पे मुन्नीलाल के घर में आप कब तक रहीं, कितने साल तक रहीं? लगभग मैं 3 साल उनके घर रही। हाँ। 3 साल के बाद में फिर हम लोग फिर दिल्ली आ गए। फिर दिल्ली आके मेरे हस्बैंड वही अपना काम करने लगे, गाड़ी वाड़ी वाला। फिर वहाँ से गाड़ी पाड़ी वो करके फिर मुझे दिल्ली छोड़ के वो यहाँ चले आए इलाहाबाद। मैं दिल्ली में लगभग 3 साल रही। मैंने 3 साल लहंगा चुन्नी की फैक्ट्री में काम किया। और फिर जब मुझे यहाँ से खर्चा पर्चा नहीं भेजते थे तो मैं बोली अब मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी, कौन है मेरा, कहाँ जाऊँ, ससुराल भी मन नहीं लगता है आपके बिना। तो मन की अब आप अपने साथ ले लीजिए, मैंने हाथ पैर बहुत जोड़े, तब मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ प्रयागराज लेकर आए। अच्छा। हाँ, यानी कि आपकी शादी में आपके माता पिता की मर्जी थी? जी, मेरे माता पिता मेरी मर्जी के मतलब मैंने जब कहा उनसे ज़बरदस्ती। हाँ। कि मतलब मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी, तो मेरे माता पिता बोले चल ठीक है, तेरी खुशी में हमारी खुशी है, जा बर आज से ये समझ ले कि तू हमारे लिए मर गई, हम तेरे लिए मर गए, ऐसा कहा। जी जी जी। तो जब से आप आई भागकर मुन्नीलाल के साथ, उसके बाद आपके गाँव आना जाना आपका हो रहा है? नहीं, मेरा दिल्ली आना जाना नहीं है, ना ही मेरा गाँव में आना जाना है। नहीं, वहाँ नहीं आते जाते? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अभी कैसी दिक्कतें आपको आ रही हैं? चलिए ठीक है, अभी तक तो मान लिया आपका प्यार हुआ और फिर उसके बाद भागकर आपने शादी भी कर लिया, बिहार चली आई, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अब मेरे दो बच्चे हो गए हैं, तो मेरे हस्बैंड अब मेरी बात भी नहीं सुनते हैं। दूसरी नौकरानी मेरे घर पर, जब मेरा बच्चा हुआ मैं खाट पर पड़ गई तो करने वाला कोई हा नहीं। उनकी मम्मी बीमार पड़ गई, मैं तो उनकी मम्मी को बुलाया गया तो उनकी मम्मी नहीं आई। तो जब नहीं आई तो मेरे हस्बैंड ने एक नौकरानी रखी, जिनके क्या तीन भाई मेरे सामने उनके मौजूद थे, मुन्नीलाल चौधरी मेरे पति और राकेश चौधरी देवर, चुनचुन चौधरी मेरे देवर। तो सब मेरे ही धोरे रहते थे जब से शादी हुई मेरी 2010 से, तो मेरे साथ रहते थे। तो मैं बनाती थी खुलाती थी, जब मेरा लड़का हो गया तब कौन बनाए खुलाए,
तो उन्होंने नौकरानी रखी, तो नौकरानी रखी वो हट गई। फिर उसके बाद में जब मेरा छोटा लड़का हुआ तो दोनों बच्चे परेशान करने लगे मुझे। तो यहाँ हम वहाँ से चले आए, जसरा घूरपुर से यहाँ चले आए हम लोग इसमें नैनी सड़वा में। तो यहाँ एक नौकरानी रखी गई जिसके चक्कर में मेरे पति फंस चुके, और उसके चक्कर में मुझे मारपीट करने की भी कोशिश करी। एक बार फिर मेरा तलाक देने की कोशिश करे थे एक साल पहले, 9 महीने के लड़के को उस समय लेकर भाग चुके थे पहले भी। बड़ा वाला लड़का मेरा मेरे पास रह गया था। तो मुझे बुलाए कचहरी में, मैं गई तो बोले कि मैं तलाक दूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तो मैं बोली नहीं, मैं तलाक नहीं दूंगी, जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं कहाँ जाऊंगी, तो मेरे बच्चों कौन पालेगा, किसका नाम दूंगी मैं, तो मैं तलाक नहीं दूंगी। तो कह रहे ठीक है चल, नहीं देगी तो मैं ठीक है। यहाँ आए घर पर, हम लोगों का वकील ने समझौता करवा दिया। घर पर आए तो लड़ाई झगड़ा करे तो सब लोग लेडी से बोली कि तुम्हें क्या करना है, अपना तुम बच्चों का पेट पालो, अपना दो रोटी खाओ, दो कपड़े पहनो, भाड़ में जाने दो जहाँ जा रहा तुम्हारा आदमी। मैं सबकी बातों को मानते हुए सुनते हुए सबकी बातों पे निर्भर रही, वहीं पे रही। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत कुछ उल्टा सीधा मारपीट करने लगे। मैं अगर कोई चीज़ मंगाने लगे करे अपने हस्बैंड से कि ये चावल ले आइएगा या उड़द खत्म है ये ले आइएगा, तो मुझे मतलब मेरी बात सुनना फ़ोन पे नहीं पसंद करे। वो नौकरानी जो बोल दे वही उसकी बात पर बहुत सहमत रह वे, यहाँ तक कि नौकरानी से बालों में सर में तेल लगवाना, टांगें दबानी, एक जगह उनके बिस्तर पर लेटना बैठना सब कुछ होता था उनके साथ। जब मैंने एक दिन देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं अलग में बोली अपने पति से कि मन की आप ये बताइए कि आप जेंट्स हैं, मैं लेडीज हूँ, अब वो भी एक लेडीज़ है, तो कम से कम आप इतना तो शर्म लिहाज करिए कि मेरी पत्नी सामने है, वो औरत है, तो उसको क्या बीतता होगा उसके ऊपर। तो उन्होंने मुझे जब फिर मारना पीटना शुरू कर दिया, जिससे कि 4 बार मेरे पति जेल भी जा चुके हैं, मुन्नीलाल चौधरी, एक बार कोराव थाने से और एक बार करछना थाने से। जिस तो इस बात के लिए मैंने जमानत कराई, मैंने छुड़ाया। फिर उसके बाद 2 साल बाद फिर करछना थाने से चले गए, भीरपुर चौकी से, तो वहाँ से भी लूट मार में ही गए, चोरी में ही। कोराव थाने में दूसरी गाड़ी बंद थी, जो 2 गाड़ी थी उस समय हमारे पास कमार्शल, जिस गाड़ी का नंबर मुझे आज भी याद है दोनों के, तो और जो दूसरे थाने में करछना में बंद हुई है उस गाड़ी का नंबर है UP 73C 1748, उस समय बंद रहे 3 महीना 15 दिन। तो मैंने जेल दोनों की जमानत कराई, मैंने जेल से दोनों को छुड़ाया, कोई नहीं आया इनका यार रिश्तेदार घर वाला माँ बाप, कोई इनका बाप नहीं है इनका। तीनों भाइयों में से 2 भाई थे अंदर, तीसरा भाई भी इनका शक्ल देखने नहीं आया। इतना मैंने करा अपने आदमी के लिए, मेरा 7.5 लाख रुपये का जेवर भी उन्होंने बिकवा दिया, जो मैं अपने घर से अपने माँ बापों की कमाई पे या अपनी कमाई पे मैं लेकर आई थी। फिर मैंने दिल्ली में लहंगा चुन्नी की कंपनी में काम करा, तो मैंने 1,05,000 रुपये वहाँ मेरे कमाए मैंने, तो अपना खाता खुलवाया वहाँ डाले, तो वो पैसा भी मेरे पति ने मुझसे दिल्ली से निकलवा के, जब मेरा लड़का 1.25 महीने का भी नहीं हुआ था, तो मैं घूरपुर में थी उस समय, तो हम सबके सामने की बात है, तो मेरे पति मुझे लेकर मेरे बच्चों को लेकर दिल्ली गए, जिससे कि मैंने 5,000 रुपये खाते में अपने छोड़े थे, और मैंने पूरे पैसे निकाल के 1 लाख अपने हस्बैंड को दे चुकी थी मैं। ये मेरी यहाँ कहानी है। तो कहीं ना कहीं आपके पति ने आपको छोड़ दिया, तो ये कोई दूसरा प्यार का मामला है या फिर कुछ और कारणों के चलते आपको छोड़ा उन्होंने? देखिए मैं ये नहीं जानती, क्योंकि मैं ये 5वीं लड़की हूँ जिससे कि मैं मेरी उनसे शादी हुई है। मैं अपने घर में सब में बड़ी हूँ और ससुराल में भी सब में बड़ी हूँ, ये सब में बड़े हैं तीनों भाइयों में। अच्छा, यानी कि आपके पति आपसे पहले भी 4 शादियाँ कर चुके थे? जी जी नहीं, 4 शादी नहीं करे हैं। हाँ। चारों लड़कियों के साथ संबंध हैं, जो कि एक लड़की यहीं की अपने इसकी प्रयागराज की है, नगरवार जसरा घूरपुर थाना लगता है। हाँ। तो उस लड़की के साथ 2 साल संबंध रहे मेरे हस्बैंड के। हाँ। और जिसका कि वो इनका बच्चा भी अपने पेट में लेकर गई है वो लड़की। हाँ। उसका नाम है उस लड़की का शर्मिला। हाँ। और आज वो दूसरी नौकरानी के चक्कर में पड़े या किस चक्कर में पड़े, मगर मैंने उनके साथ अपने आँखों से सब कुछ देखा। फिर मैंने उनसे एक बार कोशिश करी जानने की कि आप मेरा 7.5 लाख रुपये का जेवर बेच के 2-2 बसें भी खरीद लिए हैं, तब भी मुझे कोई जानकारी आप नहीं दे रहे हैं, घर में क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, 4 पैसे मुझे नहीं दे रहे हैं। जब मेरा तलाक का वो करवाए ये आज से 1 साल पहले, तो उसने बांधा कि औरत का भी कुछ खर्चा होता है वकील ने, तो बोले कितना दोगे, तो बोले कि 1,000 रुपये महीने के डाल दो, उन्होंने डाल दिया, लिख दिया गया जिसकी कि मेरे पास अभी फोटोकॉपी मौजूद है, तो उसने डाल दिया। अब वही पैसे जब मेरे पास 22,000 रुपये हुए, तो वो उन्होंने मुझसे झूठ बोल के कि कुछ बदमाश लोग लग गए हैं हंडिया के, और हंडिया से ही बस खरीदे थे वो, बाद में मुझे पता लगा है हंडिया से बदमाश लोग लग गए हैं पीछे, और लाओ कुछ पैसे दो, मेरे आदमी ने मुझसे झूठ बोल के सारे पैसे ले लिए।
7.5 लाख रुपए का जेवर भी ले लिया, जिसमें क्या मेरे पास आज 1000 रुपए की चीज़ के पैरों में पहनने वाली पायल भी मेरे पास मौजूद नहीं है, और मैं दर दर की ठोकरें यहाँ खा रही हूँ। किराया भी मेरे पति मेरे नहीं दे रहे हैं, मेरे बच्चों को लेकर भाग चुके हैं। तो किराए पर रह रही हैं? जी जी, किराए पर यहाँ रह रहे हैं हम 1.5 साल से। हाँ तो दोस्तों, सुना आप लोगों ने कहानी, और बता दें कि आए दिन इस तरह के तमाम मामले समाज में देखने को मिल रहे हैं, जिसकी खबरें निरंतर हम आप लोगों को दिखाते रहते हैं, उसके बावजूद समाज सुधारने का नाम नहीं ले रहा है। और आज की जो प्रेम कहानी है फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जैसा कि फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा कि एक हीरो होता है जो खुद का गैराज खोलता है, और उसमें कोई लड़की जाती है अपनी गाड़ी बनवाने के लिए, तो वहीं पर हीरो उसका पीछा करने लगता है, फिर उससे प्यार हो जाता है। तो ठीक वैसी कहानी इनकी है, यानी कि बिल्कुल फिल्मी कहानी की तरह इनकी जो है फिल्मी स्टोरी है। आप लोगों ने सुना, ये दिल्ली में जो है अपने मामा के यहाँ रहकर पढ़ाई करती थी, और मुन्नीलाल चौधरी जो है वहीं पर बाइक के स्पेयर पार्ट्स की दुकान रखे थे। इनके पापा इनको लिवाने गए थे, उनकी बाइक ख़राब हो जाती है, तो वो मुन्नीलाल गिरी गैराज पर जाते हैं अपनी बाइक को सही कराने के लिए। वहीं पर ये होती हैं और इनकी नज़रें मुन्नीलाल चौधरी से मिलती हैं, और दोनों की आंखें चार होती है। उसके बाद मुन्नीलाल चौधरी को इनसे प्यार हो जाता है, और इनको भी मुन्नीलाल चौधरी से प्यार हो जाता है। और फिर होता क्या है कि 2010 में ये दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं, फिर रिलेशनशिप में रहते हैं। उसके बाद सन 2011 में ये अपने प्रेमी पति के लिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले से भागकर बिहार आ जाते हैं। पहले दिल्ली से अपने गांव जाते हैं, फिर अपने गांव से ये भागकर बिहार आ जाती हैं, और फिर 7 साल तक इन्होंने अपने पति के साथ यानी कि मुन्नीलाल के साथ बिताए, और जिसके दरमियान इनके जो है 2 बच्चे हुए। और आज की स्थिति यह है कि मुन्नीलाल चौधरी उनको छोड़कर जो है फरार हो गए हैं, और ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं, शासन प्रशासन की चौखट में न्याय की गुहार लगा रही हैं, किराए के मकान में रह रही हैं, इनके पास कोई सहारा नहीं है, और यहाँ तक कि मकान का जो भाड़ा है वो देने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। तो ये होता है बगैर माँ बाप की मर्जी के अपने मन से शादी विवाह या प्रेम संबंध स्थापित करने का सिला। तो ऐसी कवरेज करने का सिर्फ यही एकमात्र उद्देश्य होता है कि जो भी माताएं बहनें या फिर जो भी युवा भाई हमारे इस वीडियो को इस खबर को देख रहे हैं, तो वो ऐसी गलती ना दोहराएं जिससे कि उनके सम्मान में या उनके माँ बाप के सम्मान में किसी भी तरह कोई आँच आए, उनके माँ बाप को जो है उनके माँ बाप का समाज में तिरस्कार हो, लोग उनको हीन भावना से देखें, तो ऐसा कृत्य ना करें। तो यही हमारा उद्देश्य होता है। और जैसा कि आपने पीड़िता के द्वारा सुना कि किस तरह से पीड़िता ने अपने हाल बयां किए हमारे साथ, और आज की स्थिति क्या है ये भी आप लोगों ने सुना, इनसे थोड़ी सी बातचीत और करते हैं। तो ये बताइए कि इन दिनों जो माहौल चल रहा है, आपने देखा होगा मोबाइल अगर आप चलाती हैं तो नेट में बहुत सारे मामले ऐसे देखने को चले जिसमें प्यार मोहब्बत की बातें जो है ज़्यादातर खुल के सामने आ रही हैं, तो उन लोगों को क्या आप कहना चाहेंगी कि क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? नहीं ठीक रहेगा। मैं बहुत खून के आंसू रो रही हूँ, और मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है सबसे कि जो गलती मुझसे हो गई है वो कोई भी मेरी बहन है या कोई भी छोटी हो या बड़ी हो सिस्टर हो, कोई भी गलती ना करें, मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ। और आज मैंने जब मेरे पति मेरे बच्चों को लेकर निकल गए हैं, एक लड़का मेरा 3.5 साल का है, छोटा लड़का मेरा 1.5 साल का है, जिसका मेरा उनके बिना कोई भी नहीं है, क्योंकि पहले मैं सबको त्याग चुकी हूँ, और आज मेरे साथ वो इतना बड़ा खेल खेल गए कि 2 बसें मेरे अपने जेवर बेच के मेरे आदमी ने खरीदी, और ख़रीद के वही बसों को बेच के वो और अपना सब कुछ यहाँ ख़त्म करके मुझे किराए के रूम में छोड़कर भाग चुके हैं। भले मैं एक गलती करी आई एक बार, मगर अब दोबारा मैं अपने दामन पर दाग नहीं लगवाना चाहती, जो कि मैं गलत होती तो मैं भी कहीं जा सकती थी, मगर नहीं, मैं यही चाहूँगी कि मेरे बच्चे मेरे पति से मुझे दिलवा दिए जाएं, और मैं अपने बच्चों की खातिर कमाऊँगी खाऊँगी, अपने बच्चों की खातिर रहूँगी। मैं बच्चों की याद आती है? जी जी बहुत आती है, मैं बच्चों के बिना ना खा पी रही हूँ ना बना पा रही हूँ, मेरा अकेला बहुत रोते रोते बुरा हाल हो गया है। उसके बाद जब चले गए हैं मेरे पति यहाँ से 6 महीना 17 तारीख 6 महीना 2023 को अपने भाई के साथ गेम बना के चले गए यहाँ से, तो मैंने अपनी सास से बताया, तो मेरी सास कह रही है तू लड़ाई झगड़ा करती है तो वो क्या करेगा। मेरी सास उल्टा मुझे डांटती हैं, फिर भी मुझसे बात करती हैं, कहती हैं कोई बात ना जाने दे, चला गया है तो आएगा।
आज वो नहीं आ रहे हैं। मैं अपने ससुराल भी होकर चली आई मगर वो नहीं आ रहे हैं। उसके बाद मैंने थाने पर FIR कराई तो थाने वालों ने मेरी बात नहीं सुनी। फिर लोगों ने मुझे, मैं रो रही, गिर रही, तड़प रही चक्कर खा खा के, तो लोगों ने मुझे थोड़ा राहत दी, बोले कि आप मुख्यमंत्री के यहाँ हेल्पलाइन नंबर कॉल करिए। तो उन लोगों ने मुझे जानकारी दी, करवाई, तो वहाँ से आदेश आया मुख्यमंत्री के यहाँ से थाने पे कि उस महिला की रिपोर्ट FIR दर्ज क्यों नहीं करी जा रही है, क्या दिक्कत है। तब यहाँ थाने वालों ने सुना, जो कि मेरी FIR दर्ज हुई, और FIR दर्ज हुई तो मेरा केस दिया गया कमलेश गिरी दरोगा सर को, जो वो देख रहे हैं। मगर वो देख के 25 दिन मेरे पति का फ़ोन चालू रहा। मैं उनसे कहती रही कि सर देखिए फ़ोन उठ रहा है, मैं करती थी फ़ोन तो देवर के नंबर पे भी, हस्बैंड के नंबर पे भी तो फ़ोन जाता था, मगर उधर से होके करके वो लोग छोड़ देते थे, कुछ नहीं बोलते थे। एक बार दो बार मेरे हस्बैंड देवर बोला, क्या बात है, क्या हुआ, इतनी बात करके। तो मैंने अपने दरोगा सर से बताया, मन की सर देखिए कहाँ की लोकेशन आ रही है, सर्वेलेंस पर नंबर लगाइए। मगर उन्होंने लगाया ना लगाया ये उनके ऊपर है, उन्होंने लोकेशन देखी ना देखी, मगर मुझे आज दिन तक उन्होंने कोई जानकारी नहीं बताई, पुलिस वाले दरोगा सर ने भी। जो कि आज मेरे 2 महीने इस बात को गुजरते हुए हो गए, मेरे पास खाने का भी ढंग नहीं है। 5 किलो आटा वकील के पास गई थी, उन वकील ने अपने घर से मुझे ला के दे दिया, जो मैं लेकर चली आई और अपना मैं वक्त गुजार रही हूँ। सुन पा रहे हैं, ये है पीड़िता के बयान, और पीड़िता के ऊपर क्या बीत रही है, क्या झेल रही है, ये आप उसकी जुबानी सुन रहे हैं। उसके आंखों से बहते आंसू ये साफ बयां कर रहे हैं कि इस वक्त वो प्यार का दंश कैसा झेल रही है, ये तो आप खबरों में सुन पा रहे होंगे। थोड़ा सा इनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये प्यार में मार खाई पीड़िता हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि एक खबर भारत में काफ़ी तेज़ी से चल रही है, जिसमें सीमा हैदर नाम की एक युवती अपने प्रेमी सचिन के लिए पाकिस्तान से चलकर दिल्ली आ गई है। तो आपको क्या लगता है कि उनका प्यार टिक पाएगा, जिस तरह से आप रो रही हैं, तो आपको क्या लगता है प्यार टिक पाएगा उनका? जी नहीं, नहीं टिक पाएगा। वो बहुत बड़ी गलती कर दी हैं, जैसी गलती मुझसे हो गई है वैसी वो भी कर दी हैं। पर मैं तो नादान थी बचपने में, चलो कॉलेज में पढ़ रही थी तो मेरा हो गया, मगर आज मैं वो गलती अपने बच्चों को छोड़ के जाने की कहीं नहीं चाहूँगी। अगर मैं एक गलती करूँगी तो बस यही करूँगी लास्ट बार, कि अगर मेरे पति और मेरे बच्चे मुझे नहीं मिलते हैं, मीडिया वालों के साथ भी बयान करने के बाद मुझे नहीं देते हैं ढूंढ के, तो मैं सीधे अपने आप को दुनिया से मिटा दूंगी, और मैं अपने बच्चों को छोड़ कर दूसरे आदमी के साथ नहीं जाऊंगी। जब एक आदमी अपनी कुंवारी औरत को लेकर नहीं रह सकता, नहीं रख सकता, तो वो तो 4-4 बच्चों की माँ है, तो उन्हें कैसे रख सकता है, कोई नहीं रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं फिर वो दूसरे देश से आई हैं, ये भी पता है आपको, पाकिस्तान से चलकर आई हैं और 4-4 बच्चों को लेकर आई, जिसमें बताया जा रहा है कि उनके कई सचिन के अलावा उनके कई प्रेमी थे। जी तो नहीं चल पाएगी, ये वो बहुत गलत कर रही हैं। मुझसे एक बार गलती हुई है कि मैं कुआर पते में प्यार में पड़ गई, कोई बात नहीं, सबसे हो जाती है एक बार गलती, मगर मैं वो गलती नहीं करूँगी कभी। अगर मेरे हस्बैंड चाहेंगे भी, जैसा अभी ले गए हैं, बच्चे मुझे नहीं मिल पाएंगे, तो मैं अपने आप को यही गलती, बस चाहे मुझे भगवान उसका दंड किस कोई भी उदाहरण में दें, मगर मैं अपने आप को दुनिया से मिटा दूँगी, क्योंकि मैं सब कुछ तो अपने पति की खातिर छोड़ आई, और अपने जब मेरे बच्चे हैं 2 तो मैं उनकी खातिर जी सकती हूँ, रह सकती हूँ दुनिया में, और जब मुझे वो ही नहीं मिलेंगे तो मैं काय के लिए रहूँगी। मैं यासी में नहीं पढ़ा चाहूँगी, मैं चाहे जहर खा लूँगी, चाहे फांसी लगा लूँगी, चाहे मेरे आदमी मुन्नीलाल चौधरी, राकेश चौधरी, चुनचुन चौधरी, उनकी माँ सटई देवी, चाहे फिर जेल में जाएं, या मेरे बच्चे दर दर की ठोकर खाएं, फिर उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मगर मैं ऐसा गलत कदम अब नहीं उठाऊँगी अपने बच्चे। तो दोस्तों, आज हमने आप लोगों को प्यार मोहब्बत की फिर से एक सच्ची कहानी से रूबरू करवाया, जिसमें आपने देखा किस तरह से पीड़िता अपने प्रेमी पति के लिए चलकर बिहार आई, बिहार आने के बाद उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या हो रहा है, उन पर क्या बीत रही है, तो आप लोगों ने सुना। तो दोस्तों, आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। तो आज की खबर बस यहीं तक रखते हैं, अगली खबर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।